हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीपीएस हंट पे। दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ फिर से आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या आपके लिए केंद्र सरकार ने एक फ़ायदेमंद योजना लाया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अग्निवीर से रिलेटेड कितना हो हंगामा देश दुनिया में चल रहा था, कितना कहाँ कहाँ क्या नहीं हो गया, तो अग्निवीर के बारे में कौन नहीं जानता है। इससे ये हो नहीं सकता कि आप लोग नहीं जानते होंगे, इससे रिलेटेड कोई सूचना आपको नहीं मिला होगा दोस्तों। तो आईटीआई वालों के लिए अग्निवीर स्कीम में होने वाला है बहुत बड़ा फायदा। तो क्या होंगे अग्निवीर में आईटीआई छात्रों के लिए फ़ायदे, क्या होंगे इससे आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपके लिए जो है केंद्र सरकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना लेके आ चुकी है, जिसके बारे में आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अब अग्निवीर भी बहाल हो सकेंगे आईटीआई छात्रों में। दोस्तों, जैसा कि इस अग्निवीर से रिलेटेड कितना र्यूमर फैलाया गया, लेकिन देखिए एक्चुअल में कितना फ़ायदेमंद है। जो लड़का आईटीआई छात्र टेंथ के बाद करता है, तो टेंथ के बाद करने के बाद उसको क्या होता है, ट्वेल्थ करने का एक टेंशन पड़ा हुआ रहता है। तो अग्निवीर स्कीम में अगर वो आईटीआई के बाद भर्ती लेता है तो उसको ट्वेल्थ का डिग्री भी मिल जाएगा। उसके बाद उसके साथ साथ अगर वहाँ अग्निवीर स्कीम से वो बाहर निकलता है तो उसको बहुत बड़े बड़े पीएसयू कंपनी, चाहे सेल हो, भेल हो, गेल हो, डीआरडीओ हो, ये सभी में उसको अप्रेंटिस के तहत काम करने का मौका भी दिया गया है। और जब वहाँ से अग्निवीर से निकलेगा तो 12 लाख रुपया लेकर आएगा दोस्तों। तो आईटीआई वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। और इसके बारे में जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस प्रकार के खबर पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा क्या क्या दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स, अग्निवीर के भर्ती में आईटीआई छात्रों को होने वाला है बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि इसमें 30 से 40 अंक बोनस दिया जा रहा है। मतलब अगर आपका एग्जाम में अगर 20 नंबर आया है तो 40 नंबर और ऐड कर लीजिए, मतलब 60 नंबर। जो लड़का 60 नंबर लाता है और आप आईटीआई करके 20 नंबर लाते हैं तो आप उसके बराबर हो जाएंगे। सोचिए कितना बड़ा अपडेट है आपके लिए, कितना अच्छी सूचना है आपके लिए दोस्तों। और इसके अलावा अगर आईटीआई के बाद आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, उसके लिए भी स्पेशल प्रोसीजर लाया गया है, हर एजुकेशन के लिए अलग से व्यवस्था किया गया दोस्तों। तो एक एक करके एक एक पहले को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इससे पहले मैं केंद्र सरकार का सराहना करता हूँ कि इस प्रकार के पहल से हमारे आईटीआई विद्यार्थी बहुत खुश होंगे, उसके लिए एक अलग रास्ता दिखा होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या क्या लेकर आया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, देखिए आपको हिंदुस्तान का जो न्यूज़पेपर है वो उसमें दिख जाएगा, बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा गया है आईटीआई पास छात्रों को अग्निवीर बनने का मौका। तो इसमें क्या क्या अपडेट दिया गया है दोस्तों, यहाँ जूम करके आपको दिखाते हैं क्या लिखा है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई उत्तीर्ण छात्र भी अग्निवीर बन सकेंगे। पहले क्या था कि आर्मी का बहाली, मतलब टेंथ जो किया हुआ है, ट्वेल्थ जो किया है, उसी के लिए दिया गया था, लेकिन अब इसको इस योजना को एक्सटेंड करके आईटीआई वालों तक भी ला दिया गया। आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, इसको भी उस योजना में इंक्लूड कर लिया है, ताकि देश के हर एक क्षेत्र का युवा इस योजना का लाभ उठा सके दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, आईटी आवेदक को अग्निवीर में विशेष प्राथमिकता मिलेगी। क्या प्राथमिकता मिलेगी, जो आगे हम बताने वाले हैं। सरकार ने एक और दो वर्षीय आईटीआई पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को अलग अलग बोनस अंक देने का निर्णय लिया है। मतलब देखिए आईटीआई जो होता है ना, कोई एक वर्ष का होता है कोई ट्रेड दो वर्ष का होता है, तो एक वर्ष वाले के लिए क्या क्या उपयोगिता होगा, क्या क्या लाभ मिलेगा, कितना बोनस अंक मिलेगा, और दो वर्ष के ट्रेड वालों के लिए क्या क्या बोनस मिलेगा, क्या क्या लाभ मिलेगा अग्निवीर योजना से, तो उसके बारे में अब बताया गया है। क्या बताया गया है, आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों को बोनस अंक देने संबंधी पत्र बिहार सहित देश के सभी राज्यों को भेज दिया गया है। मतलब सभी जो स्टेट है उसको बोनस अंक कैसे कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, सभी राज्य को भेज दिया गया है, उसमें एक बिहार भी शामिल है। भारतीय सेना की ओर से अग्निपथ योजना के तहत होने वाले भर्ती के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो छात्र आईटीआई पास होंगे उन्हें अलग से बोनस अंक दिया जाएगा। मतलब जो अगर आईटीआई करके जा रहा है बच्चा अग्निवीर में, उसको अलग से दिया जाएगा, जो नंबर तो एग्जाम में लाएगा ही लाएगा, उसके अलावा उसको अलग से बोनस अंक दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा, जिन छात्रों के पास दो वर्षीय आईटीआई का डिग्री है, कितना, दो वर्षीय का आईटीआई डिग्री है, उन्हें 40 अंक का बोनस मिलेगा। वाह, देखिए कितना बड़ा आपके लिए खुशखबरी है कि बच्चा मेहनत करके
80 अंक प्राप्त करता है, वही आप अगर 40 अंक प्राप्त करते हैं तो 40 अंक कितना, उसका आधा मेहनत करते हैं, फिर भी आपको वरीयता दिया जाएगा, मतलब इसके बराबर का अधिकार दिया जाएगा। सोचिए कितना बड़ा पहल ली है आपके लिए केंद्र सरकार ने। तो इस योजना को आप लोग सीरियसली लीजिए और इसमें जल्दी से जल्दी आपका जो जो प्रोसेस होगा आगे, जो जो भी अपडेट आएगा उसको मैं बताते जाऊंगा अलग अलग वीडियो बना करके, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और एक ईयर का जो छात्र एक ईयर के ट्रेड में जो छात्र आईटीआई किया हुआ है उसको केवल 30 अंक मिलेगा। तो 30 अंक भी कम है, 30 अंक भी बहुत ज़्यादा होता है। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि वहाँ पे 0.3 नंबर से लोग छट जाते हैं, 5 नंबर से छट जाते हैं, 1 नंबर से छट जाते हैं, यहाँ पे तो आपको 30-30 अंक मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आईटीआई छात्रों के लिए। इन छात्रों को चयन अग्निवीर तकनीकी कैटेगरी में होगी। इस तरह आईटीआई छात्र पास सेना में भी योगदान कर सकते हैं, आईटीआई जो छात्र है वो सेना में भी योगदान कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खबर थी, तो सोचा मैंने इसको डिस्कस कर दूं, आप लोगों को बता दूं। तो इस प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और इस योजना के तहत जो भी अपडेट आएगा उसको मैं बताते जाऊंगा। अगर फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार से भरना है, क्या प्रोसेस है, कितना पेमेंट लगेगा, तो इस तरह से मैं आगे के वीडियो में बताता जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।